हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन फॉर आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं 20 सितंबर 2020 को हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो भी फिफ्टीन मिनट्स में ये आपका एकदम क्विक रिविजन हो जाएगा एग्जाम के पहले और इसमें से ज़रूर दो न या तीन या चार पाँच क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके कल वाले पेपर में ये वो सब क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आसाम के रिपीटेड होते हैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो प्लीज़ लास्ट तक दिखेगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के बारे में पता चले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इन एंशियंट टाइम असम इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एशियंट टाइम में असम कौन से नाम से जाना जाता था एंसर इज सी प्राग ज्योतिषपुर इन विच हिल टॉप द कमाख्या टेंपल इज लोकेटेड कौन से हिल में कमाख्या टेंपल लोकेटेड है एंसर इज ए नीलांचल हिल इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर कौन से ईयर में असम जो असम का कैपिटल शिलोंग से दिसपुर में शिफ्ट हुआ था एंसर इज डी 1973। द असम साहित्य सभा फर्स्ट फाउंडेड इन विच ईयर साहित्य सभा कौन से ईयर में फाउंड हुआ था एंसर इज सी नाइनटीन सेवेंटीन द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आसम साहित्य सभा वॉज हेल्थेड पहला कॉन्फ्रेंस असम साहित्य सभा का कहाँ पर हुआ था एंसर इज बी शिवसागर हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा आसाम साहित्य सभा के पहला प्रेसिडेंट कौन थे एंसर इज पद्मन गोहाई बरुआ टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आसाम आसाम में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं एंसर इज सी फाइव टोटल नंबर ऑफ ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्रा इज जो रिवर ब्रह्मुत्रा है उस पर टोटल नंबर ऑफ ब्रिज कितने बने हैं एंसर इज सी सिक्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री मंत्री जन्म हुआ था एंसर इज सी फोर्टीन फोर्टी नाइन द फर्स्ट असामीज फिल्म जो मोती वॉज रिलीज इन विच ईयर जो पहला आसामीज फिल्म थी जो मोती वह कौन से ईयर में रिलीज हुआ था एंसर इज द अभिरुचि स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जो अभिरुचि स्पोर्ट्स डे है वो कौन से डे में सेलिब्रेट होती है आंसर इज डी सितंबर थर्ड हु वाज द लास्ट ओहम किंगडम इन असम असम का लास्ट किंग जो थे ओहम किंगडम के वो कौन थे आंसर इज सी पुरानंद सिन्हा द ट्रीटी ऑफ यादाबू वाज साइंड इन विच ईयर जो ट्रीटी ऑफ यादाबू है वो कौन से ईयर में साइन हुआ था एंसर इज एटीन ट्वेंटी द स्टेट ओ ओम अपूनर डे वॉज फर्स्ट पब्लिश इन विच मैगज अपूनर डे है वह स्टेट एंथम है, है वह कौन से मैगजीन में पब्लिश हुई थी एंसर इज बाही फर्स्ट असामीज मैगजीनिड इन कि फर्स्ट असामीज मैगजीन है वह कौन से में हुई थी is 1846। फर्स्ट Assamese टू compile डिक्शनरी नेम Homko हेमकोस्ट को, जो हेमकोस्ट है पहले असामीज डिक्शनरी वह किसने कंपाइल किया था आंसर इज हेमचंद्र बड़ुआ फर्स्ट टू रिव जनप्रीत आसाम में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है रीजन ऑफ ह्यूंग है जो की आसाम में विजिट हुए थे वह कौन से में हुए थे एंसर इज किसके रीजन में हुए थे आंसर इज सी भास्कर वर्मा द वार ऑफ सरायघाट वाज फाउट बिटवीन अहम मुगल इन द ईयर जो वार ऑफ सरायघाट था वो अहम और मुगल के साथ में हुआ था वो कब हुआ था आंसर इज 1671 महात्मा गांधी फर्स्ट विजिट असम इन द ईयर महात्मा गांधी जो फर्स्ट टाइम असम विजिट किए थे वो कौन से ईयर में किए थे आंसर इज डी 1921 द फर्स्ट बुक टू विन साहित्य एकेडमिक अवार्ड इज पहला बुक जिसे जिसे साहित्य एकेडमिक अवार्ड मिला था वह कौन सा है आंसर इज बी फूल हु वाज द फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ असम इनमें से कौन है जो फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ असम है आंसर इज अरुणम बोरुआ विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम एरिया वाइज आसाम में एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एंसर इज बी कार्बी आलोंग

टू पॉइंट थ्री नाइन परसेंट विच लैंग्वेज इज यूज बाई शंकर बोरगीत जो बोरगीत है वो शंकरदेव के द्वारा लिखा गया है वह कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है एंसर इज डी बराज वलीट्रेसी रेट ऑफ आसाम अकॉर्डिंग टू सेंसस टू थाउजेंड इलेवन इज टू थाउजेंड इलेवन के सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट आसाम में कितने थे एंसर इज सेवेंटी टू पॉइंट वन नाइन परसेंट

द फर्स्ट स्टेडियम ऑफ आसाम वॉज बिल्ड इन जो आसाम का फर्स्ट स्टेडियम है वो कहाँ पर बिल्ड हुआ था एंसर इज ए जोरहाट रंगर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रंगर है जो किसके रीजन में कंस्ट्रक्ट हुआ था एंसर इज डी शिवा सिन्हा हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अगेंस्ट इट सेल्फ इंडिया अगेंस्ट इट बुक है उसके ऑथर कौन है एंसर इज डॉक्टर संजीव बरुआ इन असामीज सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड इन जो आसाम में सोर्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर सिचुएटेड है कौन से फॉरेस्ट में आंसर इज ए रिजर्व फॉरेस्ट वहां से आपका हॉट वाटर आता है सियांग एं लोहित एंड हैंग मेक्स विच ऑफ द रिवर फॉलोइंग जो सियांग है वो रोहित रिवर और डिबांग रिवर से मिलके कौन सा रिवर में फ्लो होता है आंसर इज डी ब्रह्मपुत्र विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज कल्चर कैपिटल ऑफ आसम कौन सा सिटी को कल्चर कैपिटल ऑफ आसाम कहा गया है आंसर इज ए जोरहाट एट वन डिस्ट्रिक्ट इज एज द फर्स्ट कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट इन एंड ऑल्सो इन इंडिया कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो पहला कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड वो इंडिया का भी पहला कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट है आंसर इज डी माजुली इन विच ईयर काजीरंगा वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था यूनेस्को के द्वारा वह कौन सा ईयर में हुआ था आंसर इज बी 1985 व्हिच वन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कचहरी किंगडम कचहरी किंगडम का कैपिटल कौन थे इसमें कौन सा है इसमें आंसर इज डी दीमापुर नामपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट जो नामपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आंसर इज डी कार्बी आलोंग

उसमें आसाम का रैंक कितना है इंडिया में आंसर इज बी फिफ्थ। अभी रिलीज हुआ था के age of doing business के द्वारा रैंक इसमें इंडिया का रैंक कितना है इंडिया आसाम का रैंक कितना है इंडिया में आंसर इज सी ट्वेंटी हाउ मेनी मैक्सिमम में फ्रॉम आसाम फॉर राज्यसभा मैक्सिम में राज्यसभा के लिए आसाम से कितने इलेक्ट हो सकते हैं पॉलिटिशियन को आयरन मैन ऑफ आसाम भी कहा गया है एंसर इज विष्णु राम मेहदी वाट इज द निक नेम ऑफ हिमा दास हिमा दास का निक नेम क्या है एंसर इज ए डिंग एक्सप्रेस से कौन सा है्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी इनमें से कौन से कंपनी के हेमा दास ब्रांड एम्बेसडर है एंसर इज गाटोरेड यही ये, ये कंपनी है जो रिसेंटली हेमा दास को असाइन किया है ब्रांड एम्बेसिडर तो आज के वीडियो में बस इतने ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आगे भी आपको इस तरह तो की वीडियोस देते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोज ऑन नौकरी अलर्ट